पहली गल तो यह आ कि तुसी संत मत दे विचों तुहानू की मिलिया, इन्ना तुसी अभ्यास कीता ठीक नहीं, ते किथे पहुंचे? पहुंचना किथे सी, जी तलाश सी अपने अंदर किसी चीज नूं लभण दी, ओ खत्म हो गई। जी कुरीत सी ना अपने अंदर, रब की है, दुनिया की है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, उसे सवार हो गए सामना, वो खत्म हो गए। समझे ना? मगर वो खत्म ता हुए जद ये पता लग गया भी ये दुनिया जड़ी है ना, ये सारी एक ही है, इसे हमेशा कर्म का चक्कर चलता रहता, तो दुख सुख आंदा मैनू, ये नहीं कि नहीं आंदा, उन्हें बोरा है और ही तकलीफ होंगी है। अच्छा, और ही तकलीफ होंगी है जी, मैं उन्हें कहा लोगों को मैं संता मैं थोड़ी तकलीफ नहीं होंगी, ये बिल्कुल गप है, मैं ये नहीं मैं कहता होना की बात मैं पता नहीं, मैं अपनी बाबा जानना, बाबा सावन सिंह जी मुताबिक जानना, जिसे उन्होंने टीका लाया, टीके ने नुकसान किया, दर्द हुई, तो क्या तू समझ जहर देता है? तुझे समझ मेरा मतलब? दादा दाद दरबार में गया एक बार, उन्होंने पैर दसे समझी, मैं उन्हें ही पता लमे पैर था, तो मैं पैर पर सिर मार लिया जाके, उन्होंने हाय की थी, रथ पीछे की थी, मैं कही की होया आखिर इतना चौंधा सी इच ऊपर पै गई, पैर से जख्म हो गया। समझिए मेरा मतलब नहीं, दुनिया के लोगों ने जितनी बातें की थी, ये मैं नहीं कहता कि गलत है, भगत सिंह सूरी चढ़ गया, पूछना चढ़ गया, ख्याल है अपना, ख्याल हटा दो दुख कोई नहीं, ख्याल फसा दो तो दुख है, वो जरा मर्जी सवाल पूछो, आनंद मेरे अंदर खुशी मिली, अभ्यास मिला, हूं मैं लख कोशिश करा कि मैं कंठा सुना, संघ सुना, मृदंग सुना, बंसी सुना, नहीं क्योंकि वो जो मंजरा था जिसम दिया पैरियां वो तो संतरा छुरा दिया, ये जी मंदिया मंजरा थी ये तुसा लोगों ने मेरी छुरा दिया, जब मैं लोग कहने के बाबा तेन असी तेरी अखा चो नूर दड़ी चो नूर निकलता अस देखने हैं, तो मैं तो हों नहीं, तो मैनू पता लग गया कि वो जो कुछ भी वो वेखते वो उन्होंने अपना विश्वास है, अपनी श्रद्धा। मैनू तुहाडा राती दो बारी सुपना आया, परसों आया जो तुसी कनेडा तो तुरना सी, मैनू सुपना आया तुहाडा राती दो बारी सुपना आया, क्यों मन चो ये मैनू सत्संग चो मेनू ये ज्ञान मिल गया कि मन की खेड है सर, ज्यादा संस्कार हुंदा, राती मेनू अपने फादर का सुपना आया कोई 15 साल जदों पहलो जदों मैं आया उदों का, उदा मेनू फादर का कदे सुपना नहीं आया, ओह मन के संस्कार मोहरे आ जाते। अच्छा, तो इस तों अलावा जिहड़ा हजूर तुसी काम कीता ये कदों का कर रहे हैं? 7 बरस दी उमर तों नहीं, तलाश नहीं आह सत्संग दा ते नामदान दा? 1919 तक मैं सत्संग आप भी अभ्यास करता जी सर, किताबा भी दाता दर्ज पढ़ के सुना था, जरूर तो मैं ये पता हैगा लड़ाई विच मैं फस गया, आप उस दादा मेरे अंदर प्रगट हुए, उन्होंने कहा एक कर दे, अंदर प्रगट हुए जाए तो सामने आए, सामने जिदा हम आप बैठे सामने मस्तक दे, मस्तक इतना बाहर नहीं आए, बाहर नहीं मस्तक हुए सामने। अच्छा, सामने कह दे अपना गोला बारी ना मारन, बदू अपना मुर्दे चुके रह जाएंगे,
अच्छा मैं कह देता अभी बच गए, अभी उस जगत का कि बगदाद चले गए, उस आदमी ने मैं कथा ने खेल लिया अपने से संज्ञा ने, मैंने सिखासन दिया बैठा के मेरी आरती करने लगे दीवे बाल के थे। मैं कह भी गुरु महाराज से लाहौर मेरी क्यों आरती कर दी, उन्होंने आख्या प्राणी सन तकलीफ हुई तो उन्होंने याद किया तुम आए ए किया ए क्या किया सालू ए हो गया, मैं तो गया नहीं थी तदू मैं होश आ गई। उस दिन के बाद 1921 ने वाक्य आरती कर गया बड़ा 13,000 रुपये सामान लेके, उन्होंने फिर मैं सब कुछ लिखा किताब तो है दरवेश लिखी, और मैं फिर सत्संग नहीं कराया, चुप हो गया क्योंकि मैं सोचा भी मैं तो झूठ बोलना नहीं थी, ये मैं सत्संग कराया तो मैं सच्ची गल कह देनी, उसे दादा दादी समाधि दादा दादी धाम से किसी ने पैसा नहीं देना, मेरी गल बिल्कुल इस वास्ते मैं सत्संग नहीं कराया, मगर मेरे दिन में जो हुक्म सी 1939 चोरा छदन का वेला तदू मैं तार देती थी, मैं आई सालोमनी प्रॉमिस द राइट टू स्प्रेड द ट्रुथ थ्रू आउट द वर्ल्ड टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी एंड सर्कमस्टेंसेस। और उस मेरे ख्याल का नतीजा यह है कि आशीष शर्मा मेरे कॉन्टेक्ट आ गया, मैं अमरीका आ जाना थोड़े को आ जाना बाहर चला जाना कार्य उसे फेरना, मैं किसी को नाम नहीं देता जिसने दूसरे आदमी नाम दे किसी ने देता, पहले 1922 तो पहले 10-15 आदमी मैं नाम देता सिर्फ 10-15 बस, फिर जब 1922 के बाद मैं नाम नहीं देता, उसकी वजह यह थी कि एक औरत जबलपुर तो अपने खसम नाल तो 3 बच्चा नाल हुजारपुर गई, मैं फिरोजपुर से मैंने क्या फिरोजपुर आई, मैं बली राम मुकीम के यहाँ ठहर जाए, वो त्रिकुड़ी से ब्याह कर दी थी लाल रंग से सूरज मैंने देख ली थी, मैं उसे मैंने कहा भी दादा ये मुंडे मैं अभ्यास नहीं करने दे, खतरे ये थी अभ्यास नहीं करने दे, तो मेरे कदम को भी मेरी मर्जी कीता करे, खत्म होता 8 बजे सवेरे ड्यूटी से जाता रात में 9 बजे आता, मैं पूछा तेरी माँ है नहीं सच है नहीं ननान है नहीं कोई और है मत करने वाला कोई, उस वक्त मैं नहीं सोचा नहीं किया उसने, मगर बड़ी ना मकीन क्या बड़ी ना मेरी इलम मैनू कहना है इस दा तेरे बच्चे मर जाएंगे जी, क्यों मैनू यह ख्याल है मेरा यकीन है कि जो आदमी ऊपर अपने अपने अंदर गुरु स्वरूप का या किसी रूप का ध्यान करता है उसकी विल पावर बढ़ जाती है और उसकी जी आशा होती है वो उसमें पूरी हो जाती है, तो मैं उन्हें क्या भी देते ने बच्चे बड़ी जाने क्या भी मेरा ख्याल है देते ने बच्चे मर जाएंगे क्योंकि और को आशीर्वेद भी नहीं, हाँ जी तो बच्चे की तकलीफ को बचना चाहती है और को तरीका नहीं जरूर मरने के, तो 9 महीने तेने बच्चे मर गए, उसके बाद मैं किसी को उस तरह नाम नहीं देता सत्संग कराना ताकि लोग अपने ख्याल में ठीक करें, लोग अपने ख्याल में ठीक करें, अगर ख्याल बुरा है तुम अभ्यास करोगे वो बुराई तुम्हें बढ़ जाएगी, अगर काम ही हो तो काम ठीक है तो काम बढ़ जाएगा, अगर लालची हो लालच बढ़ जाएगा, अगर प्रेम है तो प्रेम बढ़ जाएगा, नेकी है तो नेकी बढ़ जाएगी, बुराई है तो बुराई बढ़ जाएगी, जो कुछ सबकॉन्शियस माइंड में है, इस वास्ते मैं नाम नहीं देता जब तक कि किसी आदमी को ये नहीं देख लेता कि इसका मन बहुत इस तरफ राघव है, हाँ अगर मन गंदा है और वो चाहता है सच्चे दिल से कि मेरा मन साफ हो जाए वो अभ्यास करे
तो उसको फायदा है। अच्छा, मैंने ये बात किसी को कही नहीं जत्ते मारे, क्योंकि आजकल तो ये उपदेश है ना कि जो किसी को नाम देता है, नाम देवा दो दस आदमियों बड़ा बड़ा पुण्य। तो मैं गया आगे, कुछ हजूर महाराज जी प्रेम पानी ले आए, राय सारा साहब लिखा, जिनके मन गंदे हैं और गंदगी उसको साफ नहीं कर, उसको दूर नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, उनको अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए थोड़े सब योग का, वरना उनका आधा नुकसान होगा। अच्छा महाराज जी, जेडे तुम सत्संग कराए, सत्संग कराने हैं, तो आड़ी नजर दे विच कोई एहो जिहा बंदा आया जिन्हें ओहदे तो फायदा उठाया होवे? तुहाडे सत्संग कराउंदिआं नूं 40-50 साल हो गए, तुहाडे संपर्क दे विच कोई एहो जिहा मनुख बंदा आया जिन्हें पूरा फायदा उठाया होवे, जिद्दां तुसीं जिस आशा नूं मुख रख के सत्संग कराउंदे आ, जिवें हुण तुसीं इत्थे आए आ, अमरीका गए आ, किसे चीज नूं मुख रख के आए हैं ना, किताबां दे विच लिखिया जां ग्रंथ साहिब दे विच लिखिया कि संत अंतरजामी हुंदे आ, इह रोचक गल है। अंतरजामी दे मायने इह हुंदे ने, इह ठीक है, बाजे वक्त आदमी मेरे सामने आंदा तो उस दे दिल दे भाव नूं मैं समझ जाए। हां जी, कुछ नूं कहंदे इंट्यूशन, इंट्यूशन दूसरे दिल दे भाव नूं, और लोग ये समझे कि बाबे ने मेरे ही सवाल का जवाब दिता, लोग ये समझे। पर जिस तक मेरा ख्याल है, मैं धर्म ना कहना, मैनू पता नहीं हुंदा कि इस आदमी दा इस सवाल सी। हाँ ठीक, सो जिहड़ियां जिहड़ा आह प्रोपोगंडा करदे आ कि गुरु ब्यास बैठा जां गुरु गोबिंद सिंह लै लो, किसी नूं भी लै लो, सारे दुनिया दे कले कले जी दी हालत जानदा, ओह बाहर दा गुरु नहीं, ए बिल्कुल जिहड़ा अंदर तुहाडा प्रेरक आ, बिल्कुल झूठ है, मैं नहीं मन्नदा, जिहड़ा अंदरला प्रेरक अंतरजामी ओह आ, ओह है अंदर दा प्रेरक जिहड़ा। मेरे नाल इक वाकिया गुजरा, एक ग्वालियर च एक औरत है, ओहदा खावन दा ठेकेदार, ओहदा खावन दा ठेकेदार, ओह रुपये दी लोड़ ते पौंदी ठेकेदारे नूं, एक विधवा औरत सी ओहदे कोल रुपया लैना होंदा, तो उसने उसनूं लिखिया मैनूं रुपये दी लोड़ है, उसने कहा कि तुसीं गल सुनो सर, रवि नंबर उन्हें समझाया, भाई उन्हें बुलाया, उसकी औरत शक सी, वो जेड़े चढ़ने लगा उन्हें ख्याल थी कि शायद वो विधवा जेड़ी जनानी जिसे को रुपया लेंदा वो कुछ खराबी न करे, उसने चढ़ने लिया अपने खावन ने किया कि तेरा रखा दाता जा रहेगा तू जा। उस औरत ने मैं लिखा, उस आम ने लिखा कि वो इस कमरे की पास वो औरत सुती पी के पास मर्द सुता पे, वो मर्द कहना मैं चार वाली गया उस औरत को जान लगा जरे से बाबा को भी रोटी लगे करो तारी, बाबा को भी रोटी लगे करो तारी, मैं उस औरत को जा नहीं सकिया। तो एक गल सुन के मैं इस गल के नतीजे से पहुंचा कि वो जरा ख्याल उस औरत ने उस आदमी को दिता तेरा रखा दाता जा रहेगा, वो चूंकि जीव ज्ञानी थी तो जिस वेले को तीवी को दो बारी या तीन बारी जाने लगा, अगे उसने अपने ख्याल में मेरा रूप बना के खड़ा करता, मैं नहीं गया, मैं आप नहीं गया। जितनी गल्लां हैं दुनिया में सब रोचक है, दादा दाल ने खुद अपनी किताब लिखी है कि मेरी बानी रोचक है, रोचक बानी दे बहुत सारे अधिकारी हैं, सच्चाई दे बानी दे कोई अधिकारी नहीं, बैठ जाओ, रोचक बानी दे सब दुनिया अधिकारी है, ध्यान दे
तो जाए कोई गाहक नहीं, अगर कहीं भी जाए तो उन्हें आत्मा उन्होंने मनता है। ये मेरे ना बीती है। इसी तरह बाबा गुरु नानक गुरु गोबिंद साहब नाल बाबा की नाम है बेला नहीं भाई जोगा होशियारपुर आया काबल तो आया। हाँ उसकी गल भी सुनी पढ़ी है जी मेरे को ग्रंथ है। अच्छा बाकी मुड़ के गल ओह भी किसे बंदे नू फायदा होया फायदा परम चले गए लोगों के वहम चले गए। हाँ जी वो होने से बाद ही परवाह नहीं कर दे ऐसी साधन करिए या ना करिए उन्होंने एक विश्वास बैठ गया ए आदमी मेरे को है। वो कहते हैं जी सामने चिंता कोई नहीं फिक्र कोई नहीं गम कोई नहीं मरण का डर कोई नहीं ऐसे आदमी ने पांच चार आदमी मैंने उन्होंने ये गल कही है ये मैं पता नहीं कि उन्होंने मेरे ने सच किया या उन्होंने मेरे ने झूठ किया ये उन्होंने गल उन्होंने नाल है मेरे नाल नहीं। अच्छा वो जेडे पांच चार बंदे है वो कौन कौन सी एक पूरे याद नाम याद है एक तो मास मोहन लाल है थोड़ा फ्रेंड जेड़ा वाइस प्रेसिडेंट है वो कहता बाबा वो सारी उम्र में सन्यासियां ने पैर तो के पींदा मर गया। अच्छा तो खोलता जुतियां खोल के पेंदे लता तो बांधा तो बांधा मर गया मैनू शांति है वो मेरे ना प्रेम जरूर कर ए अज्ञान उसका जरूर है अभी तक। अच्छा वो मेरे नाल प्रेम करता है समझे ने तो मैं वो अपना मित्र या सज्जन समझता है। गुरु उन्हों का बाबा सावन सिंह है। अच्छा गुरु उन्हों का बाबा सावन सिंह है मैं उन्हों का गुरु नहीं बनिया मैं उन्हों का यार बन गया दोस्त बन गया। इस तू अलावा होर कोई और की जेड़े बंदे तुहाडे सत्संग तो फायदा होया हो दुनियावी फायदे बहुत ही हुए आप परमार्थ की गल कर जिस आशे नू लेके तुसी सत्संग कराने मैं जिस आशे नू लेके सत्संग कराना वो तो है अपना कर्म। हाँ मगर मेरे दिल ने यह मनिया भी जो कुछ मैं कहना चाहना दुनिया उसने सुनने वास्ते तैयार नहीं ये मेरा वहम सी मेरा भरम सी कि मैं सच्चाई जाहिर करांगा तो लोगों नू फायदा पहुंचेगा मेरे तजर्बे ने साबित किया कि नहीं बहुत कम आदमी हैं जिन्होंने मेरी गल नू समझिया और नफरत द्वेष आपस विचकार बोझ उन्होंने छड़िया मगर मौका पै जांदा मैं इतना उच्चा बोलना बाजे वक्त मन मैनू ऐसी खराब हालत ले जांदा मैं दो मिनट बाद समझ जाना मगर उस वेले मन मैनू ले जांदा जिस वेले गुरु ज्ञान बोल जांदा बाजे वक्त ऐसा होंदा है कि मैनू पता नहीं लगता बात बात करना कोई ख्याल मेरे दिल जा जाता है जेड़े गल मैं नाजायज करना मसलन तुम समझो मैं एक दफा अपने मकान अपने कमरे की कोठे से उतो मैं मैनू जरूर सी टीका लगवा दी या कुछ पूछने की डॉक्टर को तो मैं आवाज मारी आदमी नू मैं क्या डॉक्टर को मेरे को आवे तो मेरे नाल पंडित वाइस प्रेसिडेंट जी का मोहन लाल खड़ा मैं क्या मोहन लाल मैं गलती की थी है मेरा कोई हक नहीं डॉक्टर नू अपने को बुला अपने काम वास्ते वो टीका ला जाता कदी उस मैं आने लगे इस पिछले साल 30 रुपये थे 30 रुपये अपने पास देते कि मेरा कोई हक नहीं है कि उन्होंने कर कहां कि मैनू आके टीका लावे मैं तुहाडे कोल आया तुहानू मैं $25 दिते क्यों दिते मैं समझा भी मैं आया इन्होंने तकलीफ दिती है रोटी खावांगा कुछ करांगा ताकि मेरा कर्जा उतर जाए तुसी अमीर तो हो नहीं तुसी अमीर आदमी माफ करना मेरी गल नूं भई तुसी अमीर आदमी हो बड़े
गरीब आदमी समझे, मतलब मैंने अपने दो मियां बीवी कमाई कर दो, चार पैसे कमा दो, अपना पेट पाल दो, इस वास्ते जेड़ा बोझ मैं तुहानू पाना सी उहदे पैसे तुहानू मैं दे के, तो मेरा अपना असूल जेड़ा है जिंदगी का वो ये है, बाप की कमाई मैं नहीं खादी, लड़के की कमाई मैं नहीं खादी, ना सिर्फ कटने वाले हैं वो भेज दे मैं 200 रुपए महीना, या दरोगा दास 40 रुपए महीना भेज दिता, वो मर गया वसीयत कर गया 70 रुपए दिता सी, 30 मंदिर वास्ते 40 मैं 40 और लेना, 200 और लेना, 240 लड़का जरा वो हर अपनी भैन का खर्च भेजता, ओद को मैं नहीं करिए, असूल है जिंदगी का, मगर इन्हें मैंने ये नहीं कि सारे वही असूल करना चाहिए, हर एक दे हालात अलग है, हर एक दे सर्कमस्टेंसेस हालात वाकयात अलग है, मगर मैं इस हक बचा कि अगर एक बाप दे को रुपया है अपना, उसका कोई हक नहीं कि लड़की को मंगे, कुछ ही ना लड़का अगर कोई 2 पैसे 4 पैसे दे देता है तो वो वर्त रहे तो कोई हक नहीं, उसका हक नहीं है कि उम्मीद रखे, नहीं है तो लड़के का हक है कि बाप की रोटी का, बाप के कपड़े का और बाप की रिहाइश का आराम का ख्याल रखे, मगर अगर बाप ये चाहे कि मैं शराब पीनी है या मैं सिनेमा देखना है तो वो गलती थी, मेरा अपना मैं ऐसा समझना। अच्छा एक होर गल है जी, जेड़ा सानू आह हुण लाइफ मिली आ, तुसी भी जोड़े चाहे असी भी सारे मनुखा दे च बैठे हैं, इहदी लाइफ दा परपस की है, किताबां दी गल नहीं मैं करदा, किताबां च तां अड्ड गल्लां लिखी, सच्ची गल पुछना, बिलकुल सच्ची गल पुछना, कुदरत दी खेल है, मैं इस राज का पता नहीं लगा, जिंदगी एक एनर्जी है जो मैं समझा हो तुम दसना, पता नहीं मैं सच्चा के झूठा, मैं जो समझा एनर्जी है, जिस तरह बिजली एक एनर्जी है, बिजली भी 3 चीजें, एक रेजिस्टेंस, एक करंट, एक EMF, तुम जानते हो पढ़ी है ना, जेड़ा मालिक है असली चीज है वो है EMF मिली हुई, इसी तरह इस दुनिया के विचकार एक भंडार है जेड़ा EMF है, एक EMF है, संतान का मालिक वो EMF है, उस सत लोग कह देंगे सत खंड कह देंगे, सत नाम कुछ कह देंगे, उसे बीच में करंट निकल रही है, जेडी करंट दुनिया बना दी है, किन्ने ही ब्रह्मंड हैं, किन्ने ही सूरज हैं, किन्ने ही लोग हैं, जिन्हां दा कोई अंत नहीं मिलता, यही गुरु नानक साहब ने अपनी बाणी किया, लख पताला पताल लख आकाश आकाश और कोड़ पाल थके, ऐसी ऐसी बाणी है, है? है। अच्छा इसी तरह ही वो एक भंडार है, उसके बिचों उसकी करंट है वो निकलती है, वो इस दुनिया में बहती है, कितने ही ब्रह्मा हैं, कितने ही विष्णु हैं, कितने ही शिव जी हैं, यही गल शास्त्री भी कहने, क्योंकि जिस वेले कृष्ण महाराज का अवतार होया तो ब्रह्मा नु शक पै गया, उसने जेडे उन्होंने ग्वाल बाल सन वो सारे चुरा ले, चुरा के रह गया, हुन ब्रह्मा का एक दिन इथो एक साल बराबर है, एक लिखिया किताबा, तो कृष्ण ने दूसरे बैल बना ले, मुड़ के आया उसने देखा, वो फिर गया विष्णु महाराज को लिखे किताब,
ਉਤੋਂ ਦੁਆਰ ਪਾ ਲਾਇਆ ਅਗੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਅਗੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ? ਉਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਨੇਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਖੰਡ, ਅਨੇਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਲ ਸਕੇ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਜਾਤ, ਇੱਕ ਤੱਤਵ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਜਿਸਮ ਮੇ ਵੋ ਤੱਤਵ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾ, ਉਸਕਾ ਤੱਤਵ ਕਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਵੋ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਬਸੇ ਐਨਰਜੀ, ਉਹ ਜਬ ਜ਼ਹੂਰ ਮੇ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂ ਹਰਕਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਲਾਈਟ ਕਾ ਹੋਣਾ ਸਾਇੰਸ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਜਬ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਮੇ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਮਨ, ਚਿੱਤ, ਬੁੱਧ, ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ? ਉਸ ਮਨ, ਚਿੱਤ, ਬੁੱਧ, ਹੰਕਾਰ ਮੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਕੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਕੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਕੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਕੀ ਮੈਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਤੀਨ ਮੈਂ ਹੈ ਨਿਜਲੀ, ਉਸਕਾ ਤੋ ਮੁਝਕੋ ਭੇਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਉਸ ਮੈਂ ਸੇ। ਮਗਰ ਜੋ ਚੌਥੀ ਮੈਂ ਹੈ ਸੁਰਤ ਕੀ, ਵੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਮੁਝਸੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਅਗਰ ਵੋ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਤੁਮਸੇ ਬੋਲੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ, ਸੁਣਿਆ ਨਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸਮ ਕੀ ਔਰ ਮਨ ਕੀ ਔਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਤੀਨੋ ਹੈ ਤੋ ਸਹੀ, ਮਗਰ ਉਨਕੋ ਮੈਂ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ, ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਗਰ ਜੋ ਸੂਰਜ ਕੀ ਮੈਂ ਹੈ ਵੋ ਮੇਰੀ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋ ਮਰ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨੇ ਕੀ? ਰਾਤ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋ ਮੈਂ ਸੋਇਆ ਹੁਆ ਥਾ ਯਹਾਂ, ਤੋ ਹਮਨੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹਾ ਥਾ? ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਭਾਈ, ਜਿਨਕੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹੈ, ਜਿਨਕੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਤੇ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਵੋ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਨੇ ਕੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ? ਪੁੱਛ ਲੋ, ਪੁੱਛਦੇ ਬਸ, ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਬਾਤ ਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲੋ, ਜੋ ਸਾਫ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਆਪ, ਸਵਾਏ ਮੁਸ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਭਗਤ ਜਨ ਵੋ ਬਨਤੇ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਮੇ ਗਿਰ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ 13 ਬਰਸ ਕੀ, ਜਬ 13 ਬਰਸ ਕੀ ਸੀ ਤਬ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੁਆ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਜਬ ਵੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਮੇ ਸੇ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਜਬ ਵੋ 12 ਬਰਸ ਕੀ ਸੇ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੇ ਯੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ, ਮੁਝੇ ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੀ ਸਖਤ ਮੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਯੇ ਬਾਤ 100% ਠੀਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ। 13 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਮੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋ ਆਨੀ ਹੀ ਥੀ, ਬ੍ਰਹਮਚਰਿ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਜਾਣੇ ਸੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਜਬ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, 12 ਸਾਲ ਬਸਰੇ ਬਗਦਾਦ ਮੇ, ਵੋ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੀਨੇ ਵੀ ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣਾ। ਜਬ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਦਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਰੇ ਔਲਾਦ ਲੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਮਤ ਕਰੋ, ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਮੈਂ ਆਦਤ ਪੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਤਾ ਰਹਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਮੇ ਵੀ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਤੋ ਔਰਤ ਕੇ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਜਾਤਾ ਔਲਾਦ ਕੇ ਲੀਏ
तो मुझे तकलीफ न होती, मैं तो स्वाद में फंस गया। वो जो मेरी शांति थी 12 साल जो मैंने अटेंड की थी वो खत्म हो गई जी। फिर मैं रोया करता है क्या हो गया मुझको, फिर एक दिन मैं प्रार्थना करने लगा, तमूला लेके बेहोश हो गया, अंदर से आवाज आई कि ये नुस्खा तुम। फिर मैं 26 साल तक मैं मेरी वाइफ रही, वाइफ मेरी मदद की, हम 26 साल तक औरत और मर्द बन के नहीं रहे। अब 16 साल 17 18 उसको मरी हुई हो गए हैं, तो मैं यानी मेरे अपने ख्याल में ये है कि इंसान के बचपन के करेक्टर को अगर ठीक कर दिया जाए तो वो बहुत हद तक इस दुनिया की तकलीफों से बच सकता है। मानसिक जो हिलचल होती है इससे बच सकता है। मेरा अपना तजुर्बा यह है, इस वास्ते मेरे पास जितने नौजवान जोड़े आते हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि औलाद को औलाद के ख्याल से पैदा करो, विषय विकार के लिए मत करो। एक दूसरे अपने ब्रह्मचर्य का ख्याल रखो, जिसे अपने फर्ज और अपनी ड्यूटी, जब तजर्बा दुनिया का हो जाएगा कि इस दुनिया में सुख नहीं है फिर इस तरफ आना। इससे पहले अगर तुम आओगे तुम्हारी जिंदगी, आजकल इन गुरुओं ने बहुत जुल्म किया है, 10-10 साल के बच्चों को नाम दे दिया, अब उनको कह दिया तुमने शराब नहीं खाना मांस नहीं खाना, बहुत अच्छा। मैंने कितने घराने देखे हैं जहाँ ये तबाही आ गई, चोरी खाते और तो उन खादनों की बनी नहीं, क्योंकि खावन शराब पीते थे मांस खाते थे, नहीं समझ में आई और तो दुखी रहती थी। मेरे सामने कई केस आते हैं, मेरी अपनी लड़की थी मैंने उसकी शादी की, हालांकि सत्संगी थे दाता दार के, तो जब वो वहां गई तो उसकी माँ और उसका पति दोनों इस बार को बाजार से गोश्त ले आते और खाते। अच्छा। और मेरी लड़की मेरे पास आई कहने लगी ये काम है, मैंने कहा तू किस मर्ज की दवा है, तेरा धर्म है खावन तेरा गोश्त खाता है उसको गोश्त को मैं पका दूंगी, उसको पका दो माँ को खिला दो उसको खिला दो, मगर तुमने नहीं खाना, तुम अपने लिए इरादा सब्जी बना लो, वो अपने आप छोड़ जाऊंगी। जब उसने कहा मैं बना दूंगी बड़े हैरान हुए, फकीर चंद की लड़की होकर कहती है, वो 2 महीने उसने उनको गोश्त बना के खिलाया, 2 महीने के बाद छोड़ गए। और सबसे ज्यादा गलती है माँ बाप की। हाँ, माफ करना मेरी बात को, मैं तो आशा की बात, जब बच्चा पेश में होता है माँ बाप भोग करते रहते हैं, उस लड़के पर काम का असर पड़ता है। जब वो जवानी में आता है, अभी जवान नहीं होता, उसमें काम का अंग आ जाता है और वो खराब हो जाता है। ये बात बिल्कुल सच्ची मैंने आपको कही है, मैं खुद इस मर्ज का मुबतला रहा हूँ। मेरी अगर शादी छोटी उम्र में न होती तो शायद मैं जो हालत में इस वक्त है उससे बेहतर होती, ये मेरी समझ में आया। बाकी रह गया सरदार जी सच्चाई अगर पूछो, सच्ची बात, मैं जब अकेला बैठता हूँ तो मैं अपने आप को भूल जाता हूँ, मुझे न होश होती है मैं फकीर चंद हूँ या कहाँ हूँ क्या हूँ, एक हालत तारी हो जाती है जिसका मैं न एक कह सकता हूँ न दो कह सकता हूँ, कुछ नहीं, लफ्ज बथेरे कर बाहर समझाने के लिए कई कर देते हैं, वो जितने लफ्ज हम करते हैं सारे इनाम मुकम्मल है। वो है क्या है, 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 है। मालिक है, 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 मगर वो क्या है किसी आदमी को कोई हक नहीं है कि वो कहे कि वो क्या है। संता ने उसको उन्मन कह दिया, किसी ने हैरत रूप कह दिया,
किसी ने ला मकानी कह दिया। आप समझे, ये सृष्टि का कर्म क्षेत्र चलता रहता है, ये मैं है हमारे अंदर, या तो इसको कर्म से ठीक करो, या भक्ति से इसको ठीक करो, या ज्ञान से ठीक करो। कर्म, भक्ति और ज्ञान तीन मार्ग हैं इस मैं को ठीक करने के लिए। कर्म में भी निष्काम होना चाहिए, अगर निष्काम नहीं है तो वो उसका फल लेने के लिए जान खाएगा वो। बस अग्रवाल अग्रवाल माफू पा भाई, बस भाई कर दो मेरा अपना ये ख्याल है, मैंने जो समझा आपको बता दिया। और कर्म से पूछते हो मेरे हाथ में मुझको मरते दबा आग न मिले, उस प्रभु की लीला को मैं तो बेहौफी कहूंगा। न कबीर को पता लगा, न राधा स्वामी को, न नानक को, न किसी को, कोई जान नहीं सकता कि वो क्या है। सच्ची बात है, जितनी जितनी जिसकी बुद्धि थी उतनी उतनी वो कह गया। असल में क्या है कुछ पता नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, खामोशी के सवा और कोई चारा नहीं। साइलेंस इन द बिगिनिंग एंड साइलेंस इन द एंड, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि जब तक जिंदगी है इसको खुशी से गुजारो, उसकी मौज है। हाँ, मैं करने से हाय दुख, हाय करने से हाय कर क्या बनेगा, जो हो रहा है हो रहा है, किसी को क्या पता। मैंने ऐसा समझा, किसी को कबीर का भी एक शब्द है, कर्म गत चारे नाले चले, ऋषि मशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन थरे, सिया हरन मरण दशरथ का कहू न सूझ पड़े। आगे लिखते हैं, आखिरी कड़ी है, सूरज चंद्रमा भान सब विधि संयोग पड़े, यानी जितने ग्रह हैं विधि उनके तरीके से हर एक को पूछना पड़ता है। ये मुसलमानों का ये 24 साल, मुसलमान जितने राज हैं ये 24 साल का चाहिए आया हुआ है, इनको हर तरफ से मुसीबत ही मुसीबत है। एक गल हो रही महाराज, सानू एक ख्याल दिता गया गुरबाणी विच, संतां दी बाणी दे विच वी, कि जीव आउंदा जांदा आउंदा जांदा। हां जी ठीक है, आउंदा ते असी जन्म सारिआं ने लिया, और शरीर दा अंत हुंदे वी असी सारे देखते, वाकई आउंदा जांदा पिछला जन्म है, पिछला जन्म और अगला भी, अगले भी है। इस दा प्रूफ है कोई? इसका प्रूफ मेरे तजर्बे जी गल आई, वो कहना पर्सन से। मेरी लड़की प्रेम प्यारी कुएते में थी, तो मैंने अपनी बड़ी लड़की को 40 तोले सोना और बड़ा फारा दाग दिया। इस लड़की को मैंने सिर्फ 1,500 में शादी कर ली, 5 तोले सोना दिया। कोटे चली गई, बीमार हो गई, जब जाने लगी तो मेरी आरोप ने मेरे साथ झगड़ा किया कि ये तुमने क्या किया, जब उसको इतना दिया तो इस लड़की को क्यों तुमने थोड़ा दिया, कुछ भी नहीं दिया। मैं उसको कुछ नहीं बोला, लड़की चले गई। मैंने कहा बेटी, पिछले जन्म के 700 रुपए मैंने तेरा कर्जा देना है, अगर अब ले लो तो तुम्हारा मेरा रिश्ता टूट जाएगा। इस वास्ते जब अपना मकान बनाएगी उस वक्त तुमने, अगर मैं रहा तो मुझसे ले लेना, तो अपने पहिए से ले लेना। वो चली गई, वो बीमार हो गई 4 साल के बाद। मेरी औरत ने मजबूर किया, 6 महीने में 100-100 रुपया भेजता रहा। जब 7वां महीना आया औरत ने फिर मजबूर किया, तो मैंने 100 रुपया का ड्राफ्ट लेके पंजाब नेशनल बैंक से कोर्ट पे भेज दिया, उसने भेज दिया।
मैंने छुट्टी ली और उसको वहां छोड़ आया, उसको बोला अब जो मर जाएगी, लड़की मर गई। मेरी औरत आई, मैंने पूछा उसका अंत समय क्या हाल हुआ, उसने बोला पहले उसने याद किया देशराज को, अपने पति को, वो हाथ बताया गया उसे दवाई लेने, फिर उसने याद किया सरदा बली राम की लड़की को और उसके प्राण निकल गए। इतने में दूसरे दिन बली राम हकीम आया मेरे मकान में अफसोस करने के लिए। मैंने कहा बली राम काहे को अफसोस करता है, तेरे घर में लड़की आएगी। कहे मेरे घर में कैसे, मगर तेरी लड़की के सरदा के आएगी। कहने लगे कैसे, मैंने कहा उसने आखिरी दम पर सरदा को याद किया था, अंत मता सोगता, तो उसने बोला लड़की को तो चौथा महीना है। मैं कह रू जो है चौथे महीने आती है, जिसमें बन जाता है पेट में तो फिर सुरत आती है, चौथी चीज सुरत जहाँ चौथी चीज चौथे महीने, हाँ वो चौथे महीने आती है। मगर चूंकि मेरी लड़की को ससुराल में जहर दिया गया था, उसकी सास ने दाज नहीं मिला था, इसको उसकी इसको इस जन्म में ससुराल से तकलीफ होगी, सुखी नहीं होगी। वो लड़की पूर्णिमा उसका नाम था, एमए पढ़ी, उसकी शादी हुई, 4 साल के बाद पति मर गया। जो कुछ मेरा अंजाम था वो ठीक निकला। दूसरी मिसाल मेरे पास सबूत यह है कि मेरी माँ मुझे हमेशा कहा करती थी, बच्चा मैं औरत का जन्म नहीं लूंगी, औरत के जन्म में बड़ा दुख है, मैं ले लूंगी नहीं, तू भगत बन गया, मैं भी तैर जाऊंगी तेरे पास से। अब वो प्लेग से मर गई, हम दोनों थे भाई बगदाद में, मेरे भाई की औरत थी वहां, बाप ने चिट्ठी लिखी, अंत में उसने याद किया मुझको और मेरे भाई को, और कहा कि जैसे दो दो लड़के मेरे थे ऐसे हारे के दो दो लड़के होंगे। तो ये चिट्ठी मेरे बाप ने मुझको लिखी, तो मैंने उसको बोला कि तेरे घर में माँ आएगी लड़का बन के, और उसके घर में लड़का बन के माँ आएगी। वो लड़का अब तक भी इसका बड़ा भाई, ये रवि जो आता है इसका जो बड़ा भाई है वो, तो तब से मुझे यकीन हो गया कि आवागमन है। मैं किताबों की आशा, एक तो ये बात है, दूसरी ये है कि सब संत मानते हैं, जैन मानते हैं, बुद्ध मानते हैं, हिंदू मानते, सब मानते हैं कि आवागमन है, और आवागमन है भी। अच्छा, आती जाती केड़ी चीज है महाराज, आत्मा या मन? आत्मा, आत्मा सुरत आती जाती, शरीर तो अलग हो जाता, शरीर तो खत्म हो जाता, जिड़ी चीज खत्म हो जाता है, संस्कार रहता है मन का संस्कार रहता है सुरत के नाल, ताइयो सुरत हैगी रहिंदी, जिदा तुसी राती सत्संग च कहा सी, सुरत दे उपर मन दे संस्कार पै रहिंदे, हां जी ओहो ही फिर आउंदी जांदी। होर कोई सवाल करना होवे कर लो। हां जी, तुसी कहिंदे कोई पुछ लो। ज्ञानी जी ने सवाल किया कि जिवें तुसी संत हो गए है, जिहड़े संत अंदर जांदे आ जिन्हां दी सुरतंत्र मुख हुंदी आ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸੰਤ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਕੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਵਾਕਿਆਤ ਨਾ ਦੇਖੀ ਗਏ, ਅੱਖੀ ਨਾ ਦੇਖ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਮਗਰ ਉਹ ਰੂਹੇ एक दूसरे को पहचान नहीं सकती। आप देखो, तुम्हारे जिस्म में रेड कॉर्पस और व्हाइट कॉर्पस है, ठीक है,
खून के अंदर रेड कार्पलस और व्हाइट कार्पलस है कि नहीं। अगर ये रेड कार्पलस न हो खून पानी हो जाएगा और आदि मर जाएगा। तो हमारी जिस्मानी जिंदगी के अंत कौन है? रेड कार्पलस। इस तरह मन के अंदर अगर थिंकिंग नहीं है तो मन नहीं है, समझ गए? ऐसे ही रूहानी दुनिया में सिर्फ अणु होते हैं रोशनी के, मगर वहाँ ये शक्ल नहीं होती उनकी। जिस तरह सूरज की किरण की शक्ति होती है, गोल गोलाकार होते हैं वो। वो अगर वहाँ ना हो तो सत लोग उसको नहीं कह सकते, नहीं समझ में? उनको हंस कहते हैं। वो ही साड़ी अंदर है, वो हमारे जिस्म में खून में रेड कार्पलस और वो है मन के अंदर अनुभव है, आत्मा के अंदर रोशनी की किरण है। एक मुसलमान फकीर मेरे सत्संग में आया करता था, कादरी साहब। उसने कहा मैं अपने अंतर गया, बड़ी भाई रोशनी में, वहां हजरत मोहम्मद थे, दाता दयाल थे और मैं भी था, मेरा नाम भी लिया और दूसरे महापुरुष भी थे। तो मैंने उसको सत्संग में कहा कि मैं नहीं था, मैं नहीं था। जब मैं नहीं था जो कुछ उसने देखा वो भी नहीं था, कल्पना, वो उसकी अपनी कल्पना, उसका अपना बनाया हुआ था। अनुभव विश्वास भी हो गया कि मन जो कुछ मर्जी बना ले, मेनू अनुभव हो गया। मन ड्रामा चीजा रचता रहा, रचता रहा, सृष्टि पैदा होंगी रही, खत्म होंगी रही, रचती रही। ए निकलिया कि जावे, जेड़ा रूप तो रंग है छड्या किवें जावे? ए ते मैनू, मैं ते मैनू ते फायदा होया सिर्फ तुसा लोगों को। जब से मुझे ये यकीन हुआ कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, तब शक्लें तो आती हैं मेरे सामने, मगर मैं उन शक्लों में फंसता नहीं। अब बात समझिए, इसके अलावा मैं अकाल पुरुष को मानता हूँ, या अनामी पुरुष को मानता हूँ, या राधा स्वामी पुरुष को मानता हूँ, जो मन चित बुद्ध अहंकार से परे है। तो मेरा इष्ट वो रहता है, मगर जब कभी मन में आता हूँ दुनिया के काम में, उस वक्त मैं गुरु के स्वरूप का सहारा लेता हूँ। खुल गया। सो तुहाडे कहण दा मतलब यह है कि जो मैं अभ्यास च बैठता, ठीक नी, जेकर मैं इना सेंटरा ते सुरत जमाना ते रूप आउणगे, जरूर आऊंगी। अच्छा, ते इतू उपर चले जावां फिर शब्द को, शब्द जां प्रकाश को, ते इत्थे ते जिवें जागृत अवस्था च ते होना ही आ, ए ते रहेंगे, ठीक है, क्लियर। कोई रोक नहीं सकता, ते ना ही रोकण दी लोड़ है, ये तो आएंगे जैसे जैसे संस्कार तुम्हारे अंदर पड़े हुए हैं। वो शक्ल है, मैंने आपको बताता हूँ कि मुझको मंदिर बनाए हुए 18 साल हो गए, कभी मंदिर सपने में नहीं आया, वहां के जितने कर्माचारी हैं कोई सपने में नहीं आया, बाहर इतने सत्संग कराता हूँ कभी आप लोग सपने में नहीं आए, मगर रेलगाड़ी और तार, माँ और बाप और बीवी, कभी कभी भाई, या कभी साल के बाद लड़का, ये जरूर सपने में आता है, या सपने में मैं अभ्यास करता रहता हूँ, या सपने में मैं अभ्यास करता रहता हूँ। इससे क्या साबित हुआ मुझको कि जिस काम में मेरा जाति इंटरेस्ट नहीं है उसका असर मेरे दिमाग पर नहीं पहुंचता। मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ, आपका कोई अक्स मेरे पर नहीं पड़ता, आपके प्रेम के जवाब में प्रेम का जवाब दे देता हूँ। अब ये ख्वाहिश मेरी अभी बाकी है कि जब मैं शरीर से निकल जाऊं
फिर कुदरत मुझको मौका दे के मैं कुछ दुनिया को बता सकू कि मेरा किसी तरीके से कि मैं कोई मेरा क्या अंजाम हुआ। खबर नहीं ये ख्वाहिश मेरी पूरी होगी कि नहीं होगी ये मुझे पता है। इनकी तो हुई बाबा जावर सिंह की और हराज साहब की हुई। हाँ वो तो जब गुजर गए सारा मकान रोशन रहा कितनी देर तक। अच्छा जी। हाँ जी। और बाबा जामर सिंह जब गुजरा तो आवाज सारे कमरे में मौजूद रही, जब उस कमरे में आता रहा जब तक उसकी लाश को उठाया नहीं गया। ये किताबों में लिखा हुआ है, हमने देखा नहीं। दादा दयाल थे, इनको बवासीर थी, इसी उम्र में इनको बवासीर की तकलीफ हुई। फिर ये दूध से इन्होंने उसरा लेकर सिर से लेके पांव तक जितने बाल थे सारे उतरवा दिए। अच्छा। और दूध से नहाए सुबह। अच्छा। दूध से नहाने के बाद शाम को अंदर चले गए, नंदू सिंह की ड्यूटी लगा दी कि कोई आदमी अंदर ना आए। नंदू सिंह ने मुझे कहा कि मैंने इतना देखा, घंटे दो घंटे के बाद उनके जिस्म को हाथ लगाया तो गर्म था, चार पांच घंटे के बाद जिस्म को हाथ लगाया तो कुछ नहीं था, ठंडा था, कुछ नहीं था। बीमार नहीं हुए? यही बस बीमारी अगर उनको कमजोर हो गए थे। हाँ, जिस्म ये दाढ़ी जो थी ना हजामत आप कर देते हो। हाँ। ये चमड़े का मांस यहाँ आ जाता था ये। अच्छा। ये तो नाई को बुलाया हजाम करने के लिए, वो उसने उन्हें मुझे कहा कि मुझसे आपकी हजामत नहीं होती, मांस सीला है। उन्हें कहा अच्छा ना सही उसरा दे दो, उसने उसरा लिया। दादा जाने आप मांस को खंजाए थे वो मुझे सारा साफ कर दिया। तो उन्होंने शरीर समाधि से जाके छाड़ दे। ए पता नहीं क्या हुआ, जो जो नंदू सिंह ने मुझको बोला मैंने वो बोल दिया आपको। फिर सुबह उन्होंने दूध मंगवाया, दूध से नहाए। एक दिन पहले अपने जिस्म को सारे को उसे से जित कोई बाल भी सिर भी और सब कुछ सब बाल उतरवा दिए। दूसरे दिन वो दूध से नहाए। जब शाम हुई कहने गए अब मैं जाता हूँ अपने कमरे में लेटता हूँ, मुझे कोई जगाए ना, तुम बाहर कोई अंदर ना आए तो सही लगवाना चाहते। बस फिर वो गए, उसने नंदू सिंह की जबानी मैं कह रहा हूँ कि अंत में उन्होंने ना हाय की ना हूं की ना ही की ना कुछ नहीं, सिर्फ दो दफा मैं गया तो मैंने उनके हाथ देखा, जिस्म को लगाया तो जिस्म गर्म था, बुलाया मैं नहीं, फिर मैं चला आया। तो जब पांच घंटे के बाद फिर गए देखा जिसम ठंडा था, बस डर से। ये कहानी उन्होंने मेरे गुरु महाराज के मुताबिक बताई। और उनकी बाबत ये ख्याल था मुझे, मुझे उन्होंने चिट्ठी लिखी थी मरने से छह दिन पहले दादा दयाल ने। हाँ। अच्छा। उसमें बहुत कुछ लिखा, उसमें एक शब्द था अब समझ रहे बूढ़ा हुआ तेरा पीर, अब समझ ले बुरा हुआ तेरा पीर, आगू पर लिखा हुआ था रात को नींद नहीं आई। अच्छा। तो मैंने छुट्टी के वजह अर्जी की, रात को सुबह चार बजे मुझे किसी ने कहा कि दादा दयाल का चोला छूट गया है। अच्छा। सपने में। सपने में सुबह मेरी और सोई हुई थी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भगवान ऐसा सपना आया। हाँ जी। तो मेरी आवाज ने कहा, हाँ साथ ही मैंने क्या देखा कि छह सात मील यही बड़ा भरा एक गोला रोशनी का ऊपर से मेरे दिमाग में आया यहाँ, वो सारी रोशनी सारी मेरे अंदर आ गई। और एक नगीना किसी ने मुझे पेश किया, तरह तरह के उसमें रंग थे। तो मैंने घबरा के उठ के अपने और दो कहा कि मैंने सपना ये देखा है,
मेरी आवाज ने कहा कि जिस आदमी के सपने की मौत का पता लगे उसकी उम्र लंबी होती है। अच्छा, तो मैंने चिट्ठी में यही लिख दिया दाता दास को कि आपकी चिट्ठी पहुंची, मैंने छुट्टी के लिए 10 दिन के लिए अप्लाई किया हुआ है, जब आएगी मैं हजूर की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तो मुझे ये सपना आया है, आप अभी कुछ दिन और बाकी रहेंगे, ऐसा लिखा मैंने। तीसरे दिन मेरे पास चिट्ठी आ गई कि दाता दास चोरा छोड़ गए, और फिर दुनिया का हिसाब बताओ, तुमको पता नहीं सरदार जी, दुनिया में गुरु मत की कदम चीज है, जो उनका भतीजा था वो तो बन गया मालिक, मालिक एक और को बना लिया, उसको बना लिया स्वामी, आप गुरु बन गए, बन बैठा, मुझे चिट्ठी आई। अच्छा। मैंने कहा संत मत की तालीम न तुम्हारे पास है न किसी और गुरु के पास है, काम तुम्हारी है, आमदन तुम्हारी है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, तालीम मैं फैलाऊंगा, मेरे समय ड्यूटी है, किताबों में लिखा हुआ है, तुमने पैसे के लिए मालिक बने हो, पैसे के लिए स्वामी बने हो, तुम जो मर्जी चाहे साहब जी महाराज बनो या स्वामी जी बनो या जो तुम्हारी मर्जी बनो, ये जो तालीम है ये सजाई जो है ये मैं अपनी जिंदगी में जाहिर करके जाऊंगा, मामा कोई सुने या ना सुने। उसका की नाम सी महाराज? उनके भतीजा था उनका रामकिशोर सिंह। रामकिशोर सिंह, तो दाता दयाल दास का कोई लड़का नहीं सी? ना, लड़कियां थी, 6-7 उन्होंने कुल ग्रस्त होगा। अच्छा, बाकी और बाकी फिर याद ही नहीं किया। उस तो बाद तामदा की होया जी? नहीं, उस तो बाद तामदा की होया? काम वहां स्कूल है, गाड़ी जाए वहां, अब उनकी समाधि है। अच्छा। तो उनका भी झगड़े बने, हर एक आदमी अपनी आमदनी चाहता है, मैं हर साल 2,000-2,500 रुपया दे देता हूँ वहां, तुम जानो भाई तुम्हारा काम जाने, वहाँ एक आदमी मुकर किया हुआ है, और भी उससे रिश्तेदार जो है वो आना चाहते हैं, मैं इस बात की परवाह नहीं करता, मुझे कोई अफसोस नहीं। बाबा सामने से ने मेरे साथ बड़ी सच्चाई से काम किया, बाबा चरण सिंह ने मेरे साथ बहुत सच्चाई से काम किया। मैं जब गया बाबा सामने 1982 में, तो मैंने जमीन पर बैठ गया, वो चारपाई पर बैठे थे, तो मैंने तब आजाद शब्द गाए, ऐसे में आया, ऐसे में आया, ये हुक्म था मुझको, ऐसे ऐसे 15 मिनट में मुझको तो होश ही नहीं थी, मैं तो बाबा सामने सिंह की दाढ़ी तो मुझे नजर नहीं आती थी, मुझे तो बाबा गाता दाल नजर आते थे, तो मैंने ये सोचा कि जो कुछ मुझे हुक्म मिलेगा यहाँ से मैं जो वो करूँगा, क्योंकि मेरे घर में तकलीफ ये थी, एक तो आमदन नहीं थी, दूसरे 20-25 संगी रोज रहते, भाई मेरा क्या उनका रुपया जाए तेरा खत्म हो जाएगा, फिर रोएगा तू, तो मैं तेरा गया घर छोड़, घर छोड़ गया, मैं कहा वापस नहीं आऊंगा घर में, क्योंकि मैं वहां ब्याह किया, बाबा जी को मेरा मैंने कहा था, दादा ने कहा था ये काम करने के लिए, उन्होंने कहा था, दादा ने कहा था अगर कुछ तकलीफ तुमको तो बाबा सावन सिंह से फिरा पूछ लेना, मैंने कहा अच्छा, तो मैं यहाँ आया, मैंने समझा था, उन्होंने कहा कृष्ण तुम काम क्यों नहीं करना चाहते, मैंने कहा जी मैंने तो सच्ची बात कहनी है, तो बाबा सावन सिंह ने मुझे कहा कृष्ण मुझसे सच नहीं कहा गया, उसकी वजह कि दुनिया सच के अधिकारी नहीं है, दुनिया जो जाती है गुरुओं के पास हकीकत के लिए जाती है, दुनिया दूसरे मेरा डेरा था, तुम निर्भय होकर काम करो, मैं तुम्हारी पुष्टि बना रहूंगा, ये बाबा सावन सिंह ने मुझे कहा था, तुम निर्भय होकर काम करो मैं तुम्हारा पुष्टि बना रहूंगा, और आज दिन तक मुझको कुछ ही नहीं, मेरी मुहारबत नहीं थी,
जितना मैं जोर का सत्संग बाहर पब्लिक में देता हूँ, यानी गुरुइज्म के धाक में हूँ, मगर गोडिविज्म को बरकरार बोलता हूँ, मगर किसी ने बरकरार मेरे नहीं कहा। मैं सनातनी सनातन बड़े बड़े कट्टर रहते हैं, विशिष्ट जो पंजाब का मर गया तो विशिष्ट जो पंजाब का सनातनों का एक बड़ा बड़ा मठ इंचार्ज था, और राम जो आर्य समाज का बड़ा बड़ा मेंबर था, माना हुआ आदमी था वो, और ये मुसलमान और कृपाल सिंह और फिर ये सुशील कुमार मुनि, अच्छा जैनियों का, जैनियों का, ये सब मेरे सत्संग में आते थे दिल्ली में। जब सत्संग होता था तो किसी ने आज दिन तक ये नहीं कहा कि मैंने गलत कहा है। उनको मैं कसम देता हूँ, मैंने कहा भाई मेरा अनुभव ये है, आपको मैं कसम देता हूँ अगर मैं गलत हूँ मेरा खंडन कर दो। कृपाल सिंह गया, संत कृपाल सिंह मेरे पहले उद्घाटन जो मैंने कराया मंदिर का, तो कृपाल सिंह ने कराया था, क्योंकि जब मैं गया था तो बाबा ब्याम सिंह ने कहा था कि मैंने लाखों को नाम दिया, दो आदमी सिर्फ दो आदमी मेरे रात को समझाए, ये उन्होंने लफ्ज कहे थे। एक कृपाल सिंह का नाम लिए था, दूसरे का नाम उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कृपाल सिंह का नाम लिया था इस वास्ते मैं कृपाल सिंह की इज्जत करता था। आपको सच्ची बात को बोली तो मैं वचन करूँ, फिर इस बात से मैं कृपाल सिंह, तो कृपाल सिंह को मैंने बुलाया भी तू, कृपाल सिंह मेरे पास आया जब ये चोरा झूठा बाबा सामन सिंह का, तो मैंने पता लगा भी कृपाल सिंह को गद्दी नहीं मिली, गद्दी बाबा जगत सिंह को मिली है। बाबा जगत सिंह को तो मैं जानता नहीं था उस वक्त, तो मैंने कृपाल सिंह को चिट्ठी लिखी, क्योंकि बाबा सामन सिंह ने मुझे कहा हुआ था मैं कृपाल सिंह इस राज का वाकब है, तो मैंने कृपाल सिंह लिखी कि मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम दोनों लड़के संत मत का सच्चा प्रचार करें। वो चिट्ठी जो गई तो उनका मासी का लड़का था, उसने मुझे इनका पता बताया, 3 महीने के बाद वो चिट्ठी वापस आ गई। बाबा ये चले गए थे हरिद्वार, हरिद्वार से जब वापस आए तो फिर इन्होंने पालिसी की, मुझे मैसेजेस मिलती हैं बाबा सावन सिंह, तो किसी ने मुझे कहा कि उसने कहा मुझे फकीरजन के लिए भी मैसेजेस मिली हैं। अच्छा। तो मैंने इसको लिखा, मैंने कहा भाई मेरे नाम क्या मैसेज मिली है, अगर मैं अंदर गया तो मुझे महर्षि जी मिले, उन्होंने कहा फकीरजन को कहना खूब अभ्यास करे, सबके साथ मेल रखे। मैंने उसको जवाब दिया तुमने ये नहीं सोचा कि तुम खत किसको लिख रहे हो। कृपाल सिंह को मैंने जवाब दिया कि तुमने ये नहीं सोचा कि तुम खत किसको लिख रहे हो, महर्षि का चेला मैं था क्या, वो मुझे नहीं कह सकते थे, जो कुछ तुमने देखा ये तुम्हारा अपना ही मन था। अब आप समझे मतलब, उसके बाद उसने बदल दिया, फिर वो कहता था गुरु पोल पर बोलता है, पोल पर बोलता है, पोल कौन सा चीज, पोल जानते हो ना इंसान के दिमाग के अंदर, हाँ हाँ पोल में बोलता है। हाँ। तो दूसरे में सत्संग हो रहा था, मैंने कहा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जिसके अंदर आपका रूप जाता है पोल उसका बना के तुम्हारा बना, और 2.5 घंटे पूरे मेरे और कृपाल सिंह के देहरादून में बात होती रही। कृपाल सिंह ने कहा कीर्तन जो कुछ तुम कहते हो बिल्कुल सत्य, मगर तुम्हारा काम कंस्ट्रक्टिव नहीं है डिस्ट्रक्टिव है। अग्रवाल परशुराम परशुराम आ जाए, थोड़ा धूप आ जाए।
मैंने कहा तुम ठीक कहते हो, तुम कंस्ट्रक्टिव ये चाहते हो कि डेरा बन जाए और आदमी आ जाए, मंदिर बन जाए, जेल बन जाए। तुम्हारा काम कंस्ट्रक्टिव ये है, मेरा काम कंस्ट्रक्टिव ये है कि जीव के भरम चले जाए, संशय मिट जाए और वो अपने आप में शांत हो जाए। तेरे मेरे में ये फर्क है। मगर जब कभी मैं गया, हमेशा कृपा तू मेरे सत्संग में आता रहा। मैं खड़िया सुना देता था, सुन जाता था, आप समझे मतलब। मगर सच पूछते हो, मेरी तालीम सिर्फ तालीम याफ्ता आदमी के लिए। मैं आपको सच्ची बात कहता, मैं आम दुनिया को ये तालीम नहीं देता, क्योंकि दुनिया इस सच्ची ऊंची तालीम की, सच्ची और की तालीम की हकदार नहीं है। दुनिया को दुनिया का काम बताना चाहिए। आप सत्संग कराते हैं, दुनियादार आए उनको विश्वास पर जमा गुजारो, उनको विश्वास पर लाओ। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, उनको ऊंची बात मत कहो। ये औरतें आती हैं, दूसरे आदमी आते हैं, उनको ये कहो भी सदगुरु वालों के तुम्हारा रखा है, तुम्हारे अंतर रहता है, तुम विश्वास रखो। नहीं समझ में आती है मेरी बात? आगे मैंने आपको कह देता हूँ, मेरी लाइन पर कोई शख्स महात्मा यहाँ का सत्संग नहीं करा सकता हिंदुस्तान में, बिल्कुल वर्ल्ड में नहीं, वर्ल्ड में नहीं करा सकता, नहीं यूनिवर्स में नहीं करा सकता, नहीं करा सकता। इधर तो है ही नहीं कोई, जो इंडिया से इधर महात्मा आते हैं, अमेरिका में जाते हैं, रुपए के लिए औरतों के लिए आते। हाँ जी, औरतों जहाँ आप समझिए मेरी बात नहीं, पर इधर भी कोई कोई अधिकारी है महाराज, अधिकारी तो है कोई ना कोई। कल जो आदमी बैठा था मेरे पास आगे थे, महेंद्रनाथ महेंद्र सिंह क्या? हाँ। वो अधिकारी है। हाँ, मगर कहे क्या महाराज, ये मार्ग तो उनके लिए है जिनको दुनिया नहीं चाहिए। हाँ, वो तो हम लोग तो दुनियादार हैं, कौन है जो दुनिया से बचा हुआ है? पुत्र की चिंता, भाई की चिंता, रुपये की चिंता, सब कुछ चिंता इसके लिए एक है, सरेंडर बस। सच्चे साहिबा मैं कुछ नहीं आंदा, जो कुछ है तू जान, तेरा कम जाने, बस अपने आप को लाना भी किया पल्ले की। मैं बाकिया ने भी की जाने जा सरेंडर नहीं करना है अगे चारा ही कोई। बाबा सारी उम्र सफर करके मैं आया कहाँ सिवाय सरेंडर के, और मेरे पास है क्या? बस मेरे ग्रह ऐसे हैं, ये मुझे यश और मुझे नाम मिलना है, मेरे कर्म है पीछे। एक सन्यासी था, वो मेरे पास रहा, उसने कुछ काम भी किया, ये बड़ा अंग्रेजी का था, वो जिसने आपकी किताब ट्रांसलेट की है पांच तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अगर मेरे मंदिर में रहना चाहते हो कपड़े उतार दो, अगर पग में कपड़े उतार दो तो रहो, वरना नहीं। मैं पग में कपड़े वाले हमारे चश्मान दे बहुत लाइफ एकदम बीती है। मैंने कहा औरतें हैं बेवकूफ, ये पग में कपड़े वाले को देख के ये पीछे दौड़ती है, नहीं समझ में आती है। अच्छा उसकी आदत आई, मैंने कहा अच्छा और उसको जवाब दिया, तू आप तो नपुंसक है। मैंने सन्या जी को बोल दिया, और तेरे में अपनी ताकत नहीं है, बीमार रहता है और उसकी इतनी मुखियत। आपने ऐसे ही कहा? ठीक, मैंने कहा औरत तेरी इतनी मुखी है, अगर अपना कोई तुम महात्मा कड्डो सामने खड़ा तो हो गए चैलेंज के दे के आए अमरीका च, कहने महात्मा हिंदुस्तान दे आए कोई मेरे को ले आओ, सिवाय इसके थोड़ी नौजवान लड़कियां खराब कर दे।
ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਹੈ ਜੋਗੀ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰੇ ਸੰਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਂ ਨੀ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਈਏ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਲਗਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਥਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਿਖਾਈ ਲਿਖਾਈ ਉਸਕਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਟਾਲ ਲਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਨੀ ਮਾਣ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਬੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨੱਚਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਆ ਏਦਾਂ ਚੇਲੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ ਯਾ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਬ ਗੱਡੀ ਪਰ ਬੈਠਾ ਤੋਂ पहले तो मैंने उसके सिर पर हाथ रखा चरण सिंह के ऊपर फिर मैं उसको जफ्फी डाली फिर मैं उसके पांव को मथा देखा मैंने कहा सिर पर हाथ इस वास्ते रखा है कि तू बाबा सावन सिंह का पोता है और मेरे पुत्र के बराबर है इस वास्ते तुमको प्यार दिया तुम भी आदमी हो मैं भी आदमी हूँ इस वास्ते तुमसे मिला तुम गुरु गद्दी पर आये उस वास्ते तुम्हारे पैरों को हाथ लगाया फिर गया मिलिया मुझे साफ कहा कि ये मुझ पर तो काम ठोसा गया है किताबें पढ़ के लोग लिख लेते थे ऐसी सोसाइट दुनिया वाला तो ये उस पर सत्संग कराता था अब ये समझदार हो गया एक्सपीरियंस हो गया समझदार है पढ़े लिखा है देखो जी गुरु इष्ट है जिस तरह से औरत इष्ट है तुम किसी दूसरी औरत को कुछ नहीं कह सकते अपनी औरत की इष्ट है औरत का इष्ट खावन है इस तरह से बाहर का गुरु इष्ट है अगर बाहर का गुरु मुकम्मल है तो बेहतर अगर नहीं भी है चेला अगर सच्चा है वो ले जाएगा सच्चा चेला गुरु को भी तार देता है स्वामी जी के पास लोग गए राय साहब राय साराम साहब के पोस्टमास्टर जनरल की बड़ी तारीफ की आपके बड़े सच्चे पकड़े किताब में लिखा हुआ है तो स्वामी जी ने जवाब दिया क्या पता है राय साहब मेरा गुरु है कि मैं राय साहब का गुरु हूँ अब आप समझे मेरी बात को किताबी इलम छोड़ के सदाजी एक बात तुमको कहता हूँ दूसरी बात ही मैं जानता अपनी आत्मा में सच्चे बनो और कीर्तन की परवाह न करो किसी की परवाह न करो अपने आप को उस मालिक के हवाले करते रहा करो उसका एक रूप मान लो मान लिया होता जब तक प्रकाश और शब्द नहीं खुला अगर प्रकाश खुल गया शब्द खुल गया प्रकाश गुरु के चरण है ये रात में मत मिलेगा प्रकाश गुरु के चरण है और शब्द गुरु का रूप है जब तक वो नहीं खुलता जब तक रूप जो तुम्हारे अंदर प्रकट होता है उसको पूर्ण मानो गुरु को इंसान का रूप मत समझो तुम्हारा काम जिंदगी का बन जाएगा सुबह शाम जो वक्त मेरे सच्चे बन के अपने आप को उसके सबूत करते रहा करो बाकी दुनिया का काम है अकल से करो अकल से करो रोटी कमाओ सरदार जी पेट में रोटी नहीं है उसको राम राम कहो क्या करेगा हमें बातें बनाते हैं इस वास्ते मैंने इंसान बनने की आवाज उठाई मैंने अपने आश्रम का नाम कोई नाम नहीं रखा रूहानी नाम नहीं रखा पहले इंसान बना पेट में रोटी नहीं है तो क्या है
पागल हो रहा आशी शर्मा को मैंने अपना नाम दर्ज किया अपने बाद विल में। हाँ जी मेरे विल कर दिया ऐसा ये। अब वो वहाँ मैं पिछली दफा गया था 2000 अंग्रेज इकट्ठे हुए एआरई के, तो मैंने शर्मा को बोला, मैंने कहा शर्मा बात सुन ले सब के सामने, जितनी लड़कियां हैं अंग्रेजों की यहाँ, तुमने सबको अपनी लड़कियां या बहने या माए समझना, अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये काम मत करना, साफ कर दो, कोई लिहाज नहीं थी। अब मैं आया हूँ, मैं कह तुम्हारे बच्चे हैं तो खबरदार, उसकी औरत भी थी, मैंने कहा अब ये बूढ़ी हो चाहिए तुमने अब इसी और पुरुष बन के नहीं रहना, मगर ये कानून तुम्हारे वास्ते नहीं है, क्योंकि तुम्हारी उम्र 35 ईयर्स की है। नहीं जी 29 है। तुमने अभी दुनिया में रहना है, स्त्री की इच्छा पर रहो। देखो मैं तुमको सच्ची बात बताता हूँ, कोई पाप नहीं, औलाद पैदा करने के लिए सिर्फ स्त्री की इच्छा पर रहो, आप समझते मेरा, आपको कोई पाप नहीं है। दूर जगह का मैं तानू मिला, लाइना बदल गई बदलने एक ख्यालात के साथ बदल जाती है। ये लाइन भी आ गई इंट्यूशन की, ये लाइन इंट्यूशन की हाँ हो रही है, ये भी इंट्यूशन की होगी। हाँ दूसरी कृपा रखो जी, जरा देखो। अच्छा एक मारा होर कृपा करो, ये महीना इतने मेरे ते बस साहा मेरे के करो कि मेरा सतगुरु तो विश्वास ना टूटे, ये मैंने यकीन हो गया कि सतगुरु कोई बंदा नहीं है, सतगुरु हर वक्त तुम्हारे साथ है, ये मैंने पक्का विश्वास हो। तू ये समझ ले कि 24 घंटे वो तुम्हारा है और तुम उसके हो। अरे गुरु नानक साहब के चेले होकर के तुमको इतना पता नहीं, गुरु नानक साहब सौदा तोड़ने लगे, उनको यकीन था कि वो मालिक के हैं, सौदा तोड़ते हुए जब तेरा पर आए, मैं तेरा सौदा तोड़ते गए, मैं तेरा वो सौदा तोड़ना तो भूल गया, वो ख्याल रहा मैं तेरा। सौदा दे गए, लोगों को शक पड़ा कि इसने लुटा दिया, गुरु नानक साहब का सारा टेस्ट किया आगे, सब पूरा निकला, बड़ा विश्वास में बड़ी ताकत है, मेरी कामयाबी का राज यही है कि मेरा विश्वास था, मैंने कभी नहीं सोचा माँ जी के कितने लड़के हैं, कितनी कमाई है, क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते, कभी नहीं। आपने तो ये कहा कि जो गुरु करता है वो मत करो, जो गुरु कहता है वो करो, बस बात खत्म है, दो लफ्ज है। हर शख्स की प्रकृति अलहदा है। मुझे हजूर आपने फरमाया था कि परशुराम सिमरन वगैरह भजन छोड़ दो, मैं जिम्मेदार हूँ, आप चरखा काटो, मुझे हुक्म हुआ, मैंने चरखे में कमाल कर दिया, पंजाब में 2 दफा फर्स्ट आया, 2 दफा इनाम हासिल किया, आपको पता अखबार में भी आया, इन्होंने कहा यही जिंदगी नाम से क्या करोगे, नाम से अब अमीर है कि किसी की बात कमी नहीं, किसी बात कमी नहीं। अब देखो मैं तुम्हारे पास आया, हाँ जी मुझे मालूम है कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है और तुम्हारी और की क्या है, मैं जानता हूँ, मैंने फौरन $25 इसको दे दिए, क्यों दिए, सिर्फ इस ख्याल से कि हमने 5-7 दिन रहना है, नहीं समझ में आई है ना, ताकि मैं तुम पर बोझ न पड़ूं, तो आगे तुमने बथेरा खर्च किया, थोड़ा दिया मैंने $25 अपने पास से तुमको दिए, हजूर मैं बेनती करा एक नहीं सवाल मैं आपको अपनी बात बताता हूँ,
सारी पैसे जाने। हाँ, पैसे वाला आदमी है वो देता है, मुझे कोई इनकार नहीं, ये बात नहीं है। आप कोई अमीर तो है नहीं कि आप अमीर हैं, आपके पास इतना पैसा है कि आप मेरे लिए, आगे तुमने बहुत खर्च किया अपने जज्बे में आकर के। नहीं जी, सौदा किया, सौदा उठा क्या है मैं बहुत बड़ा। और कुछ बात पूछनी हो तो पूछिए। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਆਧਾਰ ਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਏਕ ਕਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰ ਦਾ ਭਾਈ, ਉਧਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਭਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟਨ ਉਭਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਉਭਾਰੇ। ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਉਭਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਏਕ ਕਣੀ, ਇੱਕ ਕਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, दूसरी बात यह कि नाम है क्या, तुम ग्रंथ साहब को पढ़ो, चौथा पद, चौथी पद है कि नहीं, नाम रहे चौथे पद माही, ये छूने तेरे लोकी माही। दुनिया ने सिर्फ यही समझा हुआ है कि गुरुमुख ने ये नाम दे दिया, पांच नाम या राधा स्वामी नाम या राम राम, वो उसी को जपते रहे, ये नाम नहीं है, ये नाम के जपने की पहली सीढ़ी है। असली नाम है तुम्हारा प्रकाश और शब्द में जाना, उससे उभारता है, ये मानता है, उससे तारता है। एक तारा चंद है भवानी में, उसका मेरे मानवता मंत्र से तीन गुना ज्यादा रकबा है, क्योंकि अज्ञानी आदमी आते हैं वो पैसा बहुत देते हैं। अच्छा, उसके पास कितने कुमार जमीन है, अपनी कमाई वो आप खाता, उसके दस किलो जमीन है, वो दस किलो जमीन मेरे छोले आप बीजता है, आप खाता है, किसी से संग संगी का नहीं देता। और मैंने ब्रह्मचारी है, मैंने कहा तीन महीने खामोश रहा करो, बरसात के अपने घर में बैठे बोले मत करो, चुप मौन तारो, और किसी औरत को है बूढ़ी हो या जवान हो अपने कमरे में मत आने दो, क्योंकि वो यानी शादी से नहीं कराई, तुम्हारा काम चल जाएगा, उसके बड़े बड़े वजीर उसके शागिर्द हैं, हजारों आदमियों के, वो मेरे पास आया करता है, कुछ नहीं पड़ा हुआ, अपनी देहाती जबान में कबीर के शब्द तंबूजे पर गाया करता है, सत्संग में सत्संग कराता है, आप समझते हैं ना। अब वो उसका पिछला कर्म था, उसने छोटी उम्र से इसको शौक था, तो उसको एक मेरा गुरु भाई था, उसने कहा था भाई मैं तो राधा स्वामी नाम तुमको दे देता हूँ, मगर अगर असली बात पूछो तो हमारे सबसे बड़ा भाई कबीर चंद है, उसके उसको मिलना। अच्छा, तो वो दिल्ली आया, मैंने सोचा कि अगर कबीर चंद संत होगा तो मुझे अपनी जूस देगा, तुम्हारा और बाबा ये नहीं चलिया। अच्छा अच्छा जी, वो अब तो भीड़ बहुत थी, जहरे पर बड़ी मुश्किल से वो अंदर आया, सादा कपड़े से, मुझे क्या पता कौन है, यूं बैठ गया, मैं चाह पीने लगा, मैंने कुदोरा उसके हवाले कर दिया, दो घूट लेके उसको दे, उसका विश्वास बैठ गया, उसने मुझसे कहा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ परमार्थ का और नाम का,
मैंने कहा ये शर्तें हैं कि अपनी रोजी आप कमा के खाओ, अपनी रोजी आप कमा के खाओ, किसी सत्संगी का पैसा तुमने नहीं लेना, किसी आरुष के पास तुम की तरफ नहीं देखना, तेरा काम चल जाएगा। अब उसका काम मुझसे भी ज्यादा चला हुआ है, मेरे काम से 3 गुना काम ज्यादा है। अभी कितने कमाल की जमीन है, 2 कुएं पोते हैं और जो खारा पानी निकलता है वो हमेशा पानी निकलता है। गरीब आदमी जाते हैं, गायें गरीब जाती हैं, बूढ़े आदमी जाते हैं, उनको रोटी देता है, उनके काम करता है। अब समझो मेरा मतलब है, तू ये है कर्म पिछले जन्म दिया, इसके मैंने ये नहीं है। मेरे ग्रह ऐसे हैं, मेरे ग्रह ऐसे हैं, ग्रह। एक जोशी ने मेरा ठेवा देखा था, गिदर बाय स्टेशन मानता था मैं। वो जोशी का खन्ने का बड़ा भाया, वो आया, उसको कोई रेलवे में काम था, वो मैंने करा दिया, मैंने घर से रोटी मंगवा दी, उसको रोटी खा ली। मैंने कहा ये ठेवा ले आओ, मैं ठेवा ले गया। वो ठेवा आता था देखता रहा, उसने कहा और किसी को जोशी को पता नहीं था, मैंने लाखों ऋषियों मुनियों संतों के लिए आपके 8 ग्रहों का असर इस वक्त 9वें घर में है, 9वां कालम धर्म का होता है। बृहस्पति 10वें घर में है आपकी, पिछली उम्र में बैठी होकर 9वें घर में आ जाएगा। आपके 9वें घर पर 9 ग्रहों का असर होगा। आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो आज दिन तक किसी ने किया नहीं, क्या काम करेंगे ये मुझे बताएं। तो मैंने सिर्फ सच्चाई का चोला पहना, क्योंकि मेरी अंतर और बाहर सच्चाई है। अगर किसी को मैं कोई बात कह देता हूँ तो ये नहीं कि मैं करता हूँ, वो उसके कर्म में होती है और मेरे मुंह से निकल जाती है। बात सारी ये है, मैं कुछ नहीं करता, कोई भी नहीं करता जी, शुभ भावना देता हूँ बस। दुखी मेरे पास आते हैं, मैं दाता से यही प्रार्थना करता हूँ, दाता तूने काम दिया था, मेरे तो बस में कुछ नहीं, अब मैं क्या करूँ, इसका भला हो बस। जो विश्वास करते हैं उनका भला हो जाता है। मैंने किसी को नाम नहीं दिया, चेला नहीं बनाया, 1000 आदमी मेरे पीछे फिरते हैं, मेरे शागिर्द नाम देते हैं। अच्छा, जो मेरे चेले हैं अपने, वो नाम देते हैं लोगों को, उनको आपने मुकर्रर किया, उनको क्या तुम नाम दिया करो। मैं नहीं किसी को नाम देता, क्योंकि मैंने ये समझा है आनंद भाई को नाम देना एक माँ बाप है, वो उनके अपने कर्म है, वो करते हैं। पैसा उनको बोला खाओ या ना खाओ, खाते हो आप, मरोगे, मेरा क्या जाएगा। मुझे क्या है। तो आपने ये काम कितने मनुखों को दिया। मैंने तो सिर्फ 1942 में 15-20 आदमी को नाम दिया। नहीं, उसके बाद मुकर्रर कितने आदमी को। 12,000 आदमी फिरते हैं। मैं हैदराबाद जाता हूँ, कम से कम 8,000 आदमी 9,000 आदमी इकट्ठा होता है। सारा जब बसंत पर मैं जाता हूँ, हैदराबाद में गहरे पर सत्संग होता है, कम से कम 6,000-7,000 आदमी। और मेरे सत्संग में सिर्फ राधा स्वामी नहीं आते, जिमें कृष्ण था है ना आपका शिगिर्द। मैंने सिर्फ मैं शिगिर्द बनाया। नहीं नहीं, साढ़े तो उन्हें फायदा बहुत उठाया सत्संग तो। उसने फायदा उठाया अपने जी विश्वास से। हाँ जी, मैं जानता हूँ, उसने मुझको लिखा कि मैंने एक साधु के नाम लिया था। कृष्ण ने मुझको लिखा और कृष्ण, मैंने उस साधु की 10,000 रुपया सेवा की, उसका बना दिया कुटिया बना दी देहरादून में, हमें कुछ नहीं मिला। तो जब 10 साल के बाद मैं उसके पास गया तो उसने कहा तुम और तुम्हारी बीवी सन्यासी हो जाओ। मेरी बीवी ने इनकार किया,
उसने मुझको लिखा आप नाम दे दो। मैंने कहा मैं नाम किसी को नहीं देता, मेरे गुरु ने मुझको राया सभी नाम दिया था, गुरु स्वरूप का ध्यान दिया था, तुम जहाँ से मर्जी है नाम ले। उसने मेरे रूप को ये रोटी का रोटी है बाबा जी दाल है बस रोटी का वक्त है जो कुछ मैंने समझा यही मानिए मेरी समझ में जो आया मैंने बताया, मगर जो ग्रंथ साहब में लिखा हुआ उसको नहीं समझे। वो ही कहता हूँ वो टेप छोड़नी चाहिए, उससे कोई फायदा इसके मैं ये नहीं कि ग्रंथ साहब की टेप छोड़ गई, इसका मतलब ग्रंथ साहब के शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही बात, टेप के बगैर तो गुजारा नहीं है। जो गीता है बाकी कुछ नहीं, टेक जड़ी छड़नी चाहिए। हूं भी मैं कहना